अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्स अप इलेक्ट्रो स्क्वाड, इट्स योर बॉय मिस्टर इलेक्ट्रो इन द हाउस। और आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं पूरी लास्ट गेम प्ले वीडियो से। जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा कि भाई हम लोगों ने रेस कर ली थी भाई लौला के लिए, साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ टैक्स लगाए थे न्यू कॉवेंट्री के इलाके में, और लौला के लिए भाई फिर रेस भी जीती थी, एक साइकिल रेस जीती थी। उसके बाद हम लोगों ने अपने बायोलॉजी के प्रोफेसर के कहने पर लिटिल ब्लू किड्स, रिच किड ब्लूज जो थे, उनके मेंशन में जाके एक प्लांट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्योंकि एक वीट प्लांट था जो बहुत रेयर था, तो उसे हम लोगों ने बायोलॉजी प्रोफेसर के कहने पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके बाद गाइस हम लोग निकल गए थे मिश्रा हैट्रिक की कार को फॉलो करते करते उनके घर तक। उसके बाद उनकी घर पे हमने काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचा दी थी, जिसके बाद पुलिस भी आ गई थी और हमने सेफली वहां से हम लोग एस्केप कर गए थे। उसके बाद गाइस सीन ये हुआ, हम लोगों को फिर जाना पड़ा गाइस लौला के आइटम्स लेने के लिए जॉनी विंसेंट के घर पर, जहाँ पर भाई साहब हम लोगों को काफ़ी रास्ते बंद मिले और एक न्यू बॉस भी मिला जो कि भाई जॉनी का खास बंदा था, जिसके बाद एक बड़ा हैमर था, लेकिन उसको हम लोगों ने इजीली डिफीट करके उसका हैमर छीन लिया और उसके जरिए हमने वो लॉक डोर्स खोले जो कि लकड़ी लगा ब्लॉक किए गए थे जॉनी के तरफ से। और उसके बाद गाइस सीन ये हुआ, हम लोगों की भी फाइट हुई जॉनी से। पहले हम लोग एक जगह पर गए गाइस, एक लोकेशन हमें बताई गई थी, उस जगह पर हम लोग गए तो वहाँ पर हमारी मुलाकात हुई ग्रीस बॉल किट से, जो कि जॉनी के और खास बंदों में से एक थे। तो भाई उन ग्रीस बॉल किट से हमारी फाइट हुई, बेसिकली तीन बंदे थे। उसके बाद जॉनी वहाँ पर आ गया, तो जैसे ही उसने हमें मुक्के बजाया हम लोग गिरे, लेकिन उसके बाद गाइस हमारी फाइट स्टार्ट होने ही वाली थी कि इतने में वहाँ पर पुलिस आ गई, तो हम लोगों को वहाँ से साइकिल पर पकड़ के अपनी भागना पड़ा और हम लोग एक ग्रीस बॉल किट के बिछाए हुए दरख्त के जाल में फंस गए और हम लोग वहां से अपनी साइकिल से उड़ के सीधा जॉनी के ट्रैप में गिर गए। लेकिन हम लोगों ने वहां पर अपने दोस्त पीटर को भी बुला रखा था, पीटर हमारी मदद के लिए आ गया था, जिसने मैग्नेट वाली मशीन का एक्सेस करके जॉनी की साइकिल को पकड़ लिया। उसके बाद हमने जॉनी को इजिली डिफीट कर दिया। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर 4, अ हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी एंड अदर लाइफ। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, बेल आइकन जरूर दबा देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो, वीडियो को ज्यादा शेयर कर दो और कमेंट्स में अपने फेवरेट बुली कैरेक्टर का नाम भी बता देना। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट से, लेट्स किक ऑफ। ऑलराइट गाइस, मैंने स्टार्ट कर लिया अपना नेक्स्ट मिशन और मेरा एलजी और पीटर से बात हो चुकी है और मैं अभी फिलहाल अर्नेस्ट को ढूंढ रहा हूँ। तो मैं उसके बंदों से पूछ लेता हूँ कि अर्नेस्ट कहाँ पर है, मुझे जरा ये तो बताओ तुम लोग। माइंड टेलिंग मी वेयर योर फियरलेस लीडर इज, योर डिप्लोमेसी स्किल इज टू वेल वेल टेल। तो ये अभी फिलहाल मुझे नहीं बताने वाला, तो मैं इससे इसको मार मार कर पूछने वाला हूँ, क्योंकि ये अभी बोल रहा है गाइस कि ये अर्नेस्ट के बारे में मुझे नहीं बताएगा। ही इज एट द ऑब्जर्वेटरी, गो टू द साइड एल इनसाइड द, ओके वो ऑब्जर्वेटरी में है। अभी तो मैं एल ए जाने वाला हूँ, साइड एल ए, ओके यहाँ से ये दीवार टूटी हुई है, ग्रिल निकली हुई, ओके भाई साहब ये ले, तेरी तो निकल 1138 भाई साहब, दो मुक्कों में कोड बता दिया 38 भाई साहब। अभी हमने अर्नेस्ट को ढूंढना था, तो अर्नेस्ट जहाँ पर होता है ना, तो वहाँ का कोड हम लोग इन बंदों से पूछ रहे हैं, लेकिन ये बंदे इतने डर्प हो गए भाई साहब, दो मुक्कों में बता दिया उसने। हालांकि बेसबॉल बैट भी लेकर आया था मुझे मारने के लिए, बट मैं अभी अपने हाथों में ना यहाँ पर स्लिंग शॉट रख लेता हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा बंदे आए ना तो उन लोगों को बचाने के लिए मुझे यहाँ से जंप करनी पड़ेगी, इतनी आसानी से पार नहीं होना। आप बंदे देख रहे हो, ये देखो भाई साहब, ये लोग ना आप पीछे हटेंगे, पीछे यहाँ से ना ये लोग मुझे फायर क्रैकर बजा रहे, तो अब उठता हूँ इसको पीटा और कॉनेक्ट। गाइस मेरे पास देखो, आप लोग मेरे पास ये वाली बॉटल रॉकेट लॉन्चर भी है, बट इन केस ऑफ एन एमरजेंसी मैं इसको इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि अभी कोई एमरजेंसी नहीं है, ज़्यादा बंदे नहीं है, मैं इजीली अभी फिलहाल आगे बढ़ सकता हूँ स्लिंग शॉट का सहारा लेके, तो मैं इसलिए स्लिंग शॉट का सहारा लेके बढ़ रहा हूँ। देखो फिलहाल यहाँ पर रॉकेट लॉन्चर की एमओ रखते हैं, अगर मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इनकेस बाद में आके ले लूँगा, लेकिन अभी फिलहाल तो उसकी एमओ फुल है, तो मैं अभी यहाँ से निकलने, एक मिनट तेरी तो इसको भी मैं बताता हूँ, ये गया, और कौन है पीछे भी कोई था शायद, पीछे भी, ओके पीछे कोई नहीं था, फिलहाल आगे ही लोग होंगे सारे, ओके ऊपर से बेक रहा है बच्चा, ओके और कौन है, ओके ये तो मर गया, फटाफट से आगे चलते हैं,
ओके भाई साहब कितने बंदे हैं, तो अभी फटाफट से हम लोग है ना अर्नेस के पास पहुंचते हैं। लेट्स गो लेट्स गो गाइस, अभी सारे बंदों को पार करके अर्नेस के भाई साहब सीक्रेट बेस पे आ चुका हूँ, और इसके बहुत से खतरनाक मशीन गन है भाई साहब। गेट हिम बिफोर ही डैमेज द ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रॉय द ट्रांसफार्मर। ओके गाइस की बोल रहा है कि अभी फिलहाल है ना जिमी को पकड़ना इससे पहले कि वो ट्रांसफार्मर डिस्ट्रॉय करे, क्योंकि उस ट्रांसफार्मर की वजह से इसकी शायद मिनीगन चलती है या कुछ तो बंदा उधर। तो अभी फिलहाल इन बंदों को एक स्क्रीनशॉट में बजाऊंगा, बिकॉज ये सारे इतने ढीले बंदे हैं भाई साहब। लेट्स गो गाइस, यहाँ पर मैं इससे मुकाबला करता आ चुका हूँ, लेकिन पीछे गाइस रास्ता ब्लॉक हो चुका है और मैं वापस नहीं जा सकता। फिलहाल मैं अभी इसको मारने की कोशिश कर रहा था, बट यहाँ पर ये इतनी आसानी से नहीं मरेगा, मुझे ट्रांसफार्मर तोड़ना होगा, तो आई हैव टू गो ऑन दी अदर साइड। मैं इस पिलर का सहारा लूँगा उस ट्रांसफार्मर को तोड़ने के लिए। मैं थोड़ा सा और आगे चला जाता हूँ इन केस ऑफ, लेकिन मेरी एच पी भी काफ़ी ज़्यादा कम है और मुझे अभी इस ट्रांसफार्मर को तोड़ना होगा। फिलहाल मैं अभी थोड़ा सा शायद से मुझे पीछे होना पड़ेगा ताकि मैं इसका कवर लेते हुए आसानी से इस ट्रांसफार्मर को तोड़ सकूँ। बाय द वे ये ट्रांसफार्मर है बड़ा वाला, इसको मैं भी तोड़ सकता, बट अभी थोड़ा सा और पीछे होना पड़ेगा ताकि ये मेरे एम में आ जाए। ओके ओके, यहाँ पर कितने स्लिंगशॉट में, ओके लेट्स गो, यहाँ पर ये टूट चुका है भाई साहब, और अब भी अर्नेस्ट यहाँ से अंदर भाग चुका है मेरे ख्याल से। ओके हम लोगों को अब उसकी मिनी गन का एक्सेस लेना होगा, वो के ऊपर मशीन गन पड़ी हुई है। तो अभी फिलहाल बड़ा बद से ऊपर की स्टैंड पर चलते हैं और यहाँ से उस मशीन गन का एक्सेस लेते हैं और ऑब्जर्वेटरी के दरवाजे को तोड़ते हैं। ओके ये कहाँ ग्लिच आ गया भाई साहब, कहीं नीचे अपने होने पर आते हैं वापसी ग्लिच आ गया देखिए अंदर गाइस थोड़ा। ओके अब यहाँ से इसका एक्सेस ले लेते हैं और अब गाइस यहाँ पर हम लोग को ऑब्जर्वेटरी डोर तोड़ने होगी, लेकिन मेरे ऑब्जर्वेटरी डोर। ओके एक मिनट इस तरफ मेरे को यहाँ पर हम लोग को इन ऑब्जर्वेटरी डोर को तोड़ना होगा। बाय द वे मुझे रोकेंगे कोई बनते नहीं आएंगे गाइस, देखना तो पड़ेगा। ओके 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 वेट अ मिनट यहाँ पर और बंदे होंगे मुझे रोकने के लिए, बंदे तो हैं मुझे रोकने के लिए और किधर हैं। ओके लेट्स गो, ये राइट और बंदा ये मुझे रोकने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ था। ओके लेट्स गो, और कोई है? ओके ओके एक और आया, ये रहा। और कोई है? मुझे चारों विंडोज पर नज़र रखनी होगी गाइस, क्योंकि मेरी एचपी काफ़ी ज़्यादा कम है, इससे पहले कि ये मैं ऑब्जर्वेटरी तोड़ सकूँ मुझे इन लोगों पर साथ साथ नज़र रखनी होगी। ऑब्जर्वेटरी तोड़ की हेल्थ काफ़ी कम है और मैंने यहाँ पर इस मशीन गन का इस्तेमाल करके इस ऑब्जर्वेटरी डोर को तोड़ दिया है। बट मिशन यहीं तक था क्या, अर्नेस्ट को हम लोग को नहीं देखना क्या? एक मिनट मैं थोड़ा सा कमेंट ले लूँ। ओके लेट्स गो यहाँ पर मैं क्राउच करके बैठ जाता हूँ ताकि इसकी मशीन गन से मैं इजीली बचा रहा हूँ, लेकिन अभी फिलहाल हम लोगों को खंड जाएगा इसलिए तो रहता है करके क्या होगा एक कुछ पता थोड़ा सा हम लोग पीछे होके कुछ करने की कोशिश करते हैं, इसी लाइन में थोड़ा सा पीछे होते हैं और अब देखते हैं कुछ करने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। ओके यहाँ पर ये बक्से टूट सकते हैं। ओके इसके अंदर से बीम गोला निकल रही है, इन केस ऑफ एनी नीड हम लोग इसको ले सकते हैं। फिलहाल अभी मुझे लग रहा है मुझे अर्नेस्ट को ही मारना होगा। ओके गाइस ओके मुझे एरो दिख चुका है और मुझे शायद से इन बैरल्स के ऊपर मारना पड़ेगा, शायद से ये कुछ तो करेंगे हमारे लिए। थोड़ा सा इस तरफ होते हैं हम लोग और अब शायद से इसका एम नहीं लग सकता। एक मिनट ये वाला इमोट ठीक है इतना। ओके वो बैरल्स पर कुछ तो करना है हम लोगों को, शायद से वो बैरल गिरेंगे तो ब्रिज शायद ढीला हो जाएगा या कुछ तो होगा। इस वाले बैरल को मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया और मुझे अब एकदम क्राउच से हटके मैं इस तरफ को एक मिनट हो गया इसको नीचे क्राउच में होते हैं अपना थोड़ा सा हम लोग होते हैं इस तरफ, अब ही लगेगा हम लोगों को और अब चलते हैं एम मोड में। ओके थोड़ा सा हम लोग क्राउच से खड़े होते हैं और अब लग सकते हैं हम लोग। एक मिनट फुल पावर से एक बैरल ढीला, सेकेंड शॉट और फुल पावर से थर्ड शॉट। ओके गाइस
यहाँ पर ये ब्रिज गिर रहा है और अर्नेस्ट अब यहाँ से भाग रहा है. दिस इज फॉर यू टिमी. ओके ओके गाइस, अब ये क्या कर रहा है भाई साहब. ओके हम लोग को अब शॉटगन तोड़ने होंगे. ओके थोड़ा सा पीछे. ओके थोड़ा सा इधर. ओके लेट्स गो गाइस. ये यहाँ पर टीएनटी बॉम्ब देख रहा है. ये भी. ओके मैं सेफ हूँ अभी. अभी मैं सेफ हूँ. उधर खड़ा था क्योंकि इस तरफ कोई बॉम्ब नहीं आया है. ओके मैं अभी बिल्कुल एक अच्छी पोजीशन पे पड़ा हो चुका हूँ गाइस, क्योंकि यहाँ पर एक भी टीएनटी बॉम्ब वो नहीं फेंक पा रहा है. ये गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया मेरे साथ. मैं अनजाने अनजाने में एक अच्छी पोजीशन पे आ चुका हूँ. बट ये ओके ओके लेट्स गो. अभी हमें और शायद थोड़े से और तोड़ने होंगे. ओके थोड़ा सा कवर लेके खड़े हो जाते हैं. ओके 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 अब मैं अच्छी पोजीशन पे आ चुका हूँ. अब डेड मोड. ओके लेट्स गो. इस चीज का ही मैं दिमाग लगा रहा था गाइस. यहाँ पर इस राउंड को मैं इस तरीके से रिपीट करूँ. बट अभी मुझे ये सामने से मारने की कोशिश कर रहा है. एक मिनट, वो मेरे सामने आ चुका था. कौन से अपनी पोजीशन चेंज करी है. लेकिन अभी स्लिंग शॉट से मुझे सेकंड वाला बेल भी तोड़ना पड़ेगा. तो अभी फटाफट से तोड़ते हैं. लेट्स गो गाइस. मैं अभी सेकंड वाला तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ. बट अभी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है सेकंड वाले को भी तोड़ना. मुझे अपने एम मोड में जाके बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रही है तोड़ने में. क्योंकि बिकॉज ये ना अर्नेस्ट है ना रुक ही नहीं रहा. ओ एक मिनट थोड़ा सा आगे. एक वन सेकेंड. ये मुझे इतनी आसानी से ना तोड़ने दे नहीं रहा अर्नेस्ट, क्योंकि यहाँ पर है ना ये बिल्कुल सामने ही खड़ा हुआ है. और मैं एक काम करता हूँ गाइस, इसको है ना फूल करता हूँ. थोड़ा सा फूल करने की कोशिश करता हूँ. यहाँ पर आता हूँ फिर मैं वापस वहाँ पर जाता हूँ ताकि अपनी पोजीशन. ओ थोड़ा सा आगे भाई. क्या हो गया जिमी भाई साहब, इसकी तो हेल्थ काफ़ी ज़्यादा जल्दी जा रही है जिमी की. ओके कोशिश करते हैं गाइस इसको तोड़ने की. लेट्स गो. तो गाइस यहाँ पर मैंने दूसरा बैरल भी डिस्ट्रॉय कर दिया है गाइस. सब से सही से बता रहा हूँ आप लोगों को, रियली हार्ड है भाई ये मिशन, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है. और अब हमने इसकी वेपन भी छीन ली है गाइस. कोई नए तरीके की वेपन है शायद से. ये पोर्टल रॉकेट लॉन्चर से भी ज़्यादा खतरनाक वेपन है. बट हमने इसको अभी आज से खड़ा कर लिया और इसको बोला कि तुम हमारे दोस्त हो. ओके फ्रॉम नाउ ऑन वी आर बडीज. वी आर बडीज. ओके यू हैव फनी वे ऑफ सेइंग फ्रेंडशिप. फ्रेंडशिप वी आर फ्रेंड्स वी वर्क टुगेदर. ओके गाइस हमने इसको बोल दिया कि हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं. बल्कि अर्नेस्ट ये समझ रहा था गाइस कि हम इसके ना स्पॉट गन अवेलेबल इन योर होम. ओके गाइस हम लोग का एक नया हथियार स्पॉट गन खुल चुकी है. और अब हम लोगों को गाइस आप एचपी देख सकते हो मेरी कितनी ज़्यादा कम है. बीन को लगा बीन नहीं थी बट अभी इसको चेक कर लेते हैं कि क्या काम कर. वो ये क्या है गाइस? ये चूहा था. ओके चूहे पे ऐसे चलती है. लेट्स गो. यहाँ पर ये पता नहीं क्या चीज़ है लेकिन इसकी कैपेसिटी है. मेरे पास बॉटल रॉकेट लॉन्चर है, स्पॉट गन है, स्लिंग शॉट है और ये तीनों हथियार है भाई साहब. अंडे भी हैं, मार्बल्स भी हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं. तो अभी गाइस रात का टाइम हो चुका है तो थोड़ा बहुत चलते हैं सोने. बाकी गाइस चैप्टर 4 का स्टार्ट तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से हुआ है. क्योंकि गाइस यहाँ पर अपना पंदे आए थे अर्नेस्ट के सारे के सारे और सबको उनको मारना तो इतना आसान था गाइस. लेकिन अर्नेस्ट को मारना इतना आसान नहीं था बिकॉज उसके पास स्पर्ट गन थी और वो इतनी जल्दी की तरीके से लोड हो गई थी जितनी तरीके से भाई स्लिंग शॉट भी लोड नहीं होता. वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी उसकी अच्छी थी और मार भी काफ़ी तेजी से रहा था. तो अभी बड़ा वक्त से चलते हैं सोने गाइस. उसके बाद सुबह नेक्स्ट मिशन के लिए उठते हैं. लेट्स गो. ऑलराइट गाइस मैं अभी फिलहाल आ चुका हूँ लाइब्रेरी पे और अभी अर्नेस्ट से बात कर लेते हैं और फटाफट देखते हैं क्या सीन है. लेट्स गो. ऑलराइट गाइस मेरी भी फिलहाल अर्नेस्ट से बात हो चुकी है और वो कह रहा है तो मैं दो नर्ड्स को एज अ लीडर छुड़ा करके लाना होगा फन हाउस अमेजमेंट पार्क से. तो चलते हैं लेट्स गो. ऑलराइट गाइस मैं अभी फिलहाल पहुंच चुका हूँ फन हाउस अमेजमेंट पार्क और आपके सामने है ये फन हाउस. तो अभी बड़ा वक्त से चलते हैं फन हाउस के अंदर और देखते हैं भाई साहब कहाँ पर है वो दो नर्ड्स बकी और फैटी. बाय द वे यहाँ पर अम्यूजमेंट पार्क तो काफ़ी ज़्यादा रिटायर्ड है. मैं यहाँ पर गेम्स वगैरह भी खेल सकता हूँ बट अभी फिलहाल मुझे ये सब नहीं करना और मैं अंदर चलता हूँ फन हाउस. तो अभी इन दो नर्ड से मुझे मुलाकात करनी है. बाय द वे ये किस इंसान के मुल्क के अंदर आ चुका हूँ और ये क्या इल्यूजन है भाई, ये कौन सा इल्यूजन बना रखा है फन हाउस के अंदर. तो अभी अंदर आगे बढ़ावा से चलते हैं हम लोग आगे की तरफ. नीचे क्लाइंब, मुझे यहाँ से
स्नीक करके क्राउच करके जाना होगा। और भाई साहब यहाँ पर उन दो नट्स को भाई साहब जॉक कर परेशान कर रहे हैं, और इन जॉक्स को मुझे पिटाई लगानी होगी और इन नट्स को यहाँ से बाहर निकाल के लेके जाना होगा। अभी फिलहाल इन लोगों की भाई साहब पारी वाली पारी भर कम पिटाई कर देते हैं और इन नट्स की मदद करते हैं, क्योंकि एज अ लीडर हम लोगों को इनकी मदद करना ज़रूरी है, तभी हमारी रिस्पेक्ट बढ़ेगी भाई साहब स्कूल के, हम लोग न्यू किंग बन सकेंगे। और आज का हमारा यही टास्क है कि हम लोग बनेंगे भाई इस स्कूल के किंग। तो अभी फिलहाल मैंने इन जॉकर्स को मार दिया है और आई होप मैं आप थोड़ा वक्त से यहाँ से, वो सामने मुझे स्टेयर्स दिख रही है शायद थे इन इस लैडर से, तो मुझे एस्केप नहीं करना है यहाँ से, क्योंकि उस दरवाजे से शायद से मैं नहीं जा सकता। मुझे लगता है उस दरवाजे से अब मैं दोबारा से जा सकता हूँ, क्योंकि वो दोबारा दरवाज़ा बंद हो चुका है। हाँ गाइस मैं नहीं जा पा रहा यहाँ से, तो अभी फ़िलहाल मुझे कोई एस्केप कोई ऐसा शॉर्टकट रास्ता देखना होगा, क्योंकि फ़न हाउस के अंदर इस तरह के ट्रिकी रास्ते होते हैं जिससे हमें निकलना थोड़ा सा हार्ड होता है गाइस। ऑलराइट गाइस मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल कोई ट्रिकी रास्ता तलाश कर रहा हूँ, मुझे शायद से मिल चुका है, ये बुक रखी है, मुझे शायद से इसको अंदर करना होगा या हिलाना होगा, तो शायद से वो लेटर नीचे आएगी। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको हिला देता हूँ। ओके मैंने इसको अंदर कर दिया है और अभी वो लेटर नीचे आ चुकी है, और अभी बड़ा वक्त से इस लेटर पर स्लाइम करके हम लोग अपने नए रास्ते की तरफ चलते हैं, क्योंकि जिस रास्ते से हम लोग एंटर हुए थे इस फार हाउस के अंदर वो रास्ते तो अभी ब्लॉक है, उस रास्ते से हम लोग जा नहीं सकते बकेयर पार्टी को लेके, और अभी इस रास्ते से हमें निकलना होगा। गेट टू द ग्रेवियर्ड कंट्रोल रूम। ओके ग्रेवियर्ड कंट्रोल रूम जाना होगा, शायद से बंदे बंदे आ सकते, तो मैं अपने हाथ में फुल मस्त वेपन रख लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर कोई डेथ एंजल है भाई साहब, ये लोग अजीब से वेपन चला रहे हैं, मुझे इस वेपन से बच के जाना होगा, ना मेरी एचपी डाउन हो सकती है, और यहाँ पर बीम कोला वगैरह भी नहीं है और स्टैक वगैरह भी नहीं है जिससे मैं कुछ कर सकूँ भाई यहाँ पर। ये आराम से मैं इसको पार करते हुए निकल सकता हूँ, बड़ा फिर फिलहाल मुझे ओ भाई साहब मेरी स्पीड थोड़ी सी कम थी, ओ भाई साहब फिर से लगा वह पीछे और दिल्ली थोड़ा था। ओके हम निकलते हैं, और वो रहा दरवाज़ा, हम इस कंट्रोल रूम में जा सकते हैं और इस ग्रेवियर्ड कंट्रोल को एक्सेस कर सकते हैं। अभी फिलहाल इस कंट्रोलर से हम लोग इस ग्रेवियर्ड के कंट्रोल को एक्सेस करते हैं, और बड़ा वक्त से ओके यहाँ पर वो दो बसी और फैटी भाग रहे हैं, बट गाइस कुछ है। ओके ये जॉकर भाई अभी भी पीछा कर रहे हो, उसको और भी बंदे थे क्या? एक मिस दो मिस, मैं अभी फिलहाल इस वेपन को कंट्रोल कर रहा हूँ, और ये लगा चौथा भाई साहब, और भी शायद जॉकर्स आ रहे हैं भाई साहब, हम लोगों को मदद करनी होगी। अच्छा ये और कितने जॉकर्स बचे हैं, मैंने उसे ढोकर देता था वहाँ पर, ये शायद छुपे हुए थे गाइस। परफेक्ट वाले को भी अब मैंने डाउन कर दिया है एक वेपन मार के, बट भी नहीं लगता कि अब वेपन और बचे होंगे, क्योंकि इस ये लास्ट जॉकर होगा तो ही हम लोग कुछ कर सकते हैं, वरना वेपन इतने बचे नहीं है हमारे पास, ये लास्ट है, ये लास्ट में गाइस इसके बाद तो कंट्रोल रूम का डोर है। ओके खाली तीन ही थे, ऐसे नकीली हम लोग बच गए गाइस। अभी फिलहाल हम लोगों को इस ग्रेवयार्ड से बाहर निकल के जाना होगा जहाँ पर बक्की और फैटी गए, बट वो लोग गए कहाँ, वो लोग कंट्रोल रूम में आए नहीं। सर्च द मेज फॉर द नट्स। ओके गाइस अब हम लोग फन हाउस के मेज के अंदर एंटर हो चुके हैं, और यहाँ पर अजीब अजीब से दरवाजे हैं, फिलहाल मैं बटन से इन लोगों को खोल सकता हूँ, और ये जॉकर भाई यहाँ पर भी मौजूद है, इन लोगों ने पूरा जाल बिछा रखा है भाई साहब नट्स के लिए, लेकिन वो दो नट बक्की और फैटी, लेकिन यहाँ पर वो लोग नहीं है भाई साहब, यहाँ पर सारे दरवाजे एक जैसे हैं, कारपेट एक जैसा है, चीज़ें एक जैसी हैं, फर्नीचर एक जैसा है भाई साहब, डोर्स एक जैसे हैं, बटन एक जैसे हैं, तो मैं पता नहीं बक्की और फैटी को कहाँ पर ढूंढ लूँगा। तो अभी पड़ावत से उन लोगों को इस खतरनाक से मेज के अंदर तलाश कर लेते हैं, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस फिलहाल मैंने बक्की और फैटी को दोनों को एक जगह पर जमा कर लिया है, और अब इन दोनों को मैं इन डोर ये डोर खोल के भाई साहब निकाल लूँगा इस मेज से, और अभी फटाफट से मुझे नहीं लगता और कोई तो ट्रिकी फजल आएगा इसके अंदर, क्योंकि और कुछ तो नहीं हो सकता। इस फिलहाल मैंने डोर खोल लिया है, और डिसेबल और दी माइनर्स। ओके अब इन माइनर्स को डिसेबल करना है भाई साहब, यहाँ पर एक और लैडर है, और शायद से कोई जॉकर ऊपर खड़ा हुआ है भाई साहब, इसको मारते हैं, और शायद से ये ही उस माइनर को कंट्रोल कर रहा है कंट्रोलर से भाई साहब, इसको मारते हैं, और अभी फिलहाल ये मुझे मारना ज़रूर आएगा। ओके आ गया जैसा मैंने सोचा था, मैं इसको मार के उस कंट्रोल का एक्सेस लूँगा, और माइनर को डिसेबल करके बकी और फैटी के लिए रास्ता खोल दूंगा, और ताकि हम लोग ईजी एस्केप कर सकें यहाँ से। तो अभी फिलहाल इसको मैंने डाउन कर दिया है, और यहाँ से मैं इस माइनर को डिसेबल कर देता हूँ। ये माइनर अपना शावल भाई साहब हवा में घुमा रहा था, बट अभी मैंने इसको डिसेबल कर दिया। डिसेबल द रिमेनिंग माइनर्स। ओके गाइस अभी बड़ावत से बाकी माइनर्स को भी डिसेबल करते हैं, लेट्स गो। गाइस कंट्रोल रूम के सारे भाई माइनर्स को डिसेबल करने के बाद मैं यहाँ पर
बक्की और फैटी के लिए मैंने यहाँ पर रास्ता खोल दिया है और अब मैं फॉलो करने वाला हूँ इन नट्स को ताकि मैं इन लोगों को इसमें से बाहर निकाल के जा सकूँ। शुरू में भाई साहब वो बुक वाला पजल, उसके बाद ग्रेवयार्ड वाला, और अब भाई साहब ये दोनों गुम हो गए। फैटी तो मुझे मिल गया है बट अभी बक्की को कहाँ ढूंढूँ मैं। इन दोनों को एक जगह जमा करके ना गाइस निकलते, क्योंकि हर दफ़ा गुम हो जाते हैं भाई साहब। ये चौथी दफ़ा हो रहा है ये लोग गुम हो चुके हैं, बट पता नहीं कहाँ पर रही हैं। ये कर्टेन भी बंद है और इस बक्सों के पीछे भी नहीं है भाई साहब, वो कहाँ पर गया। तो अभी फटाफट से उसको ढूंढ लेते हैं, लेट्स गो। ओके गाइस, मेरी मिस्टेक थी भाई साहब, मैं अदर साइड पर देख ही नहीं रहा था। अदर साइड पर भी सेम मिरर था और वहाँ पर बक्की खड़ा हुआ था। तो अभी फिलहाल बक्की और फैटी को मैंने जमा कर लिया और ये कर्टेन भी खुल गया भाई साहब मेरे लिए। भाई साहब नकली ऑडियंस बिठा रखी है, असली है। ओके, ये सारे नकली ऑडियंस हैं, सब कागज़ के पुतले हैं। तो अभी फटाफट से बक्की और फैटी को बाहर निकाल लेते। ओके, शुक्र है लास्ट डोर था। तो मैंने इन दोनों को अभी यहाँ से एस्केप करवा दिया और हमारा टास्क हो चुका है भाई पास। और अभी गाइस यहाँ पर हमें $25 मिले हैं और अब मुझे समझ में आया कि नर्ड रिस्पेक्ट और जॉग रिस्पेक्ट जो हम शुरू से देख रहे थे वो क्या चीज़ थी। तो अभी अपने नेक्स्ट मिशन के लिए चलते हैं पपराजी। तो फटाफट से चलते हैं, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, मैं अभी फिलहाल आ चुका हूँ जिम के पास एक नया चैलेंज करने के लिए जो है जॉक्स चैलेंज। तो फटाफट से इसको स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, मैंने अभी ये चैलेंज स्टार्ट कर लिया है और यहाँ पर जॉगर्स आ चुके हैं भाई मुझसे लड़ने के लिए। और यहाँ पर बेसिकली हमारा बेसबॉल का मैच हो रहा है इस तरीके से, RR प्रेस करके। इससे ये बॉल अभी मैं छीनूंगा जिसको फुटबॉल भी कहते हैं भाई साहब अमेरिकन लैंग्वेज में। और अभी फिलहाल 2-1, ये क्या चीज़ है गाइस। ओके, मैं कंट्रोल थोड़े बहुत देख लेता हूँ, थ्रो किससे करेंगे, कैच से है, ओके डॉज से है, ओके शिफ्ट से है। ओके गाइस, मैं थोड़ा सा कंट्रोल वगैरह भूल गया था क्योंकि लास्ट टाइम बहुत देर से मैंने खेला था। तो अभी फिलहाल दोबारा से ये मैच मेरा स्टार्ट हो चुका है, मैंने कंट्रोल देखे थे ना उसकी वजह से टाइम ओवर हो गया। ओ भाई साहब, बहुत ही गंदी बॉल पड़ी भाई, एक और बंदे को पड़ गई हमारे। एक मिनट पकड़ लेता हूँ, अब मैं थोड़ा करीब जाके मारूंगा ये। ऑलराइट गाइस, मैंने ये चैलेंज अभी विन कर लिया है और यहाँ पर मेरी जॉगर से बात हो रही है। तो कहता है ये, आप गाइस गेस यू कैन एक्सेस क्लब हाउस, थैंक्स, आई विल श्योर टू विजिट इट। तो भाई साहब अब हमको एक्सेस मिल चुका है इस वाले क्लब हाउस का जो कि जॉगर्स का है, बट अब ये क्लब हाउस हमारी ओनरशिप में आ चुका है क्योंकि हम लोगों ने इनके चैलेंज में इनको हराया है। तो ये देखो गाइस, ये है वो क्लब हाउस। तो इस चैलेंज का भाई, ये सब चैलेंजेस आते हैं रेड स्टार में, मैप में ये मार्क्ड होते हैं एज अ रेड स्टार। और अब रेड स्टार वाले मिशंस को आप करते हो तो ये बेसिकली चैलेंजेस होते हैं, तो इससे आप लोगों को बड़ी बड़ी चीज़ें मिलती हैं। बट अभी हम लोग जाने वाले हैं नया मिशन करने के लिए पपराजी। ऑलराइट गाइस, अभी फिलहाल मैंने अपना नेक्स्ट टास्क स्टार्ट कर लिया है और अभी मुझे अर्नेस्ट ने बोला है, नर्ड बॉस ने बोला है भाई साहब अर्नेस्ट ने, लेकिन मैं उसका लीडर हूँ तो मैं उसको बॉस नहीं बुलाऊंगा, मैं उसको अर्नेस्ट ही बुलाऊंगा। उसने मुझे अभी फिलहाल बोला है कि मुझे जाना है गर्ल्स डॉर्म और जॉक्स की, जो जॉकर्स हैं उनकी चीयर लीडर की हेड जो है जिसका नाम है मैंडी, उस मैंडी को भाई जा करके हम लोगों को उसकी पिक्चर्स लेके आनी है। तो अभी फिलहाल मैं जिम आ चुका हूँ जहाँ पर मैंडी शायद से प्रैक्टिस कर रही होगी चेयरिंग अप की। तो उन चेयर लीडर्स को भाई साहब मुझे मैंडी की पिक्चर लेकर आनी है, सामने मैंडी खड़ी है और यहाँ से बड़ा बच्चे उसकी पिक्चर लेते हैं और देखते हैं फिर आगे का क्या सीन है गाइस। तो यहाँ पर मैं अपना कैमरा फटाफट से निकाल देता हूँ, मैं एक अच्छी पोजीशन में आ चुका हूँ और यहाँ से आते हैं हम लोग भाई एम मोड के अंदर। और इस एम मोड से अब हम लोग फटाफट से यहाँ से एक पिक्चर तो ले लेते हैं भाई साहब मैंडी की। ओके, गुड फोटो यहाँ पर आ चुकी है और अब शायद से कुछ तो सीन हुआ। ओके, एक लड़की इनमें से गिर चुकी है, कीप ट्राइंग मे बी आई विल चेंज माई सूट। ओ माई गॉड, इज दिस कटिंग, आई विल गो चेंज। ओ माई गॉड, भाई साहब ये कह रही है मुझे चेंज करना है अपने सूट, तो मैं अब फटाफट से जा रही हूँ, इन क्लोथ्स में मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा। ऑलराइट गाइस, फिलहाल अभी मैंडी यहाँ से निकल चुकी है, एंटर द गर्ल्स डॉर्म। ओके, वो गर्ल्स डॉर्म गई है। तो भाई मुझे अभी बाकी रिमेनिंग 2 पिक्चर्स लेने के लिए गर्ल्स डॉर्म जाना पड़ेगा मैंडी के पीछे। तो अभी फटाफट से चलते हैं गर्ल्स डॉर्म, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, मैं अभी फिलहाल पहुंच चुका हूँ गर्ल्स डॉर्म और मुझे बैक साइड पर भाई यहाँ पर एक लैडर है, बट अभी इस प्रीफेक्ट से इस लैडर पर गाइस मुझे चढ़ना है। आप लोगों को दिक्कत ही होगी आई होप लैडर। तो इस प्रीफेक्ट से बच के मैं फटाफट से लैडर पर चढ़ता हूँ और उसकी बाकी रिमेनिंग पिक्चर्स लेकर आता हूँ। ऑलराइट गाइस, मैं अभी फिलहाल आ चुका हूँ गर्ल्स डॉर्म के ऊपर, सबसे टॉप फ्लोर पर आ चुका हूँ भाई साहब विंडो से एक्सेस करके। तो अभी फटाफट से चलते हैं नीचे और मैंडी की पिक्चर्स लेने के लिए। भाई साहब वो अभी शायद वॉशरूम के अंदर है तो वहाँ पर जाके उसकी पिक्चर्स लेनी होंगी, बट अभी फ़िलहाल गर्ल्स डॉर्म की जो भाई साहब
प्रीफेक्ट है वो यहाँ पर आ रही है, तो मुझे इस कवर्ड के अंदर ही छुपे रहना होगा जब तक वो आएगी। तो अभी फिलहाल फटाफट चलते हैं हम लोग, हमें जाना होगा भाई साहब इस प्रीफेक्ट से बच के वॉशरूम के अंदर, और वहाँ जाके उसकी पिक्चर्स लेनी पड़ेंगी। ऑलराइट गाइस, मैं फिलहाल अभी किसी ना किसी तरीके से बच बुच के भाई साहब उस प्रीफेक्ट से यहाँ पर आ चुका हूँ, और मैंने एक अच्छी फ़ोटो ले ली है भाई साहब, और ये रही मैंडी। हाउ मच बेटर, आई एम रेडी टू डेजल एवरीवन विद माय करिश्मा पॉपुलैरिटी अगेन। ओके फिलहाल अभी इसको नहीं पता कि हमने इसकी वाली पिक्चर ले ली है। फिलहाल अभी या अगर ये मुझे देख लेती तो ये डर के यहाँ से भाग जाती और साथ ही साथ उस प्रीफेक्ट को भी बुला लेती। लेकिन अभी मेरी एक फ़ोटो और रिमेनिंग है जो कि मैं इसके रूम में जाके लूँगा। इससे पहले कि वो प्रीफेक्ट आए मैं यहाँ से खड़े हुए इसकी पिक्चर ले लेता हूँ। यहाँ पर खड़ी हुई है, ओके मैंने यहाँ से एक और फ़ोटो निकाल लिया, और फटाफट से अब मैं जिस दरवाजे से यहाँ पर आया था उसी जगह से भाई साहब मैं वापसी निकलने वाला हूँ। ऑलराइट गाइस, अभी फिलहाल मैंने अर्नेस्ट को ये पिक्चर दे दी है, और किसी को भी इस बारे में नहीं पता कि अर्नेस्ट ने ही मुझसे पिक्चर मंगाई थी, मैं लेकर आया हूँ। फिलहाल मेरा ये वाला मिशन पास हो चुका है, हमारी नर्ड रिस्पेक्ट बढ़ गई है और जॉक रिस्पेक्ट कम हो गई है, बट हम लीडर हैं भाई साहब सबके। कोई भी हमसे पंगा लेने आएगा तो हम उसको मार डालेंगे। फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं भाई साहब नेक्स्ट टास्क के लिए, जो क्या पता नहीं जो ज़्यादा भाई करीब होगा, ज़्यादा इजी लगेगा तो भाई उसको करेंगे। तो अभी फिलहाल मैं चेक कर लेता हूँ डिस्क्रीट डिलीवरीज। तो भाई साहब ये वाला टास्क मुझे करना होगा, तो लेट्स गो फटाफट चलते हैं ये वाला टास्क करने के लिए। ऑलराइट गाइस, फिलहाल मैंने अभी अपना नया टास्क स्टार्ट कर लिया है जो कि नट्स का ही है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर एक चीज़ होने वाली है गाइस, प्रॉब्लम ये होने वाली है गाइस कि अभी फिलहाल जॉकर्स यहाँ पर इस कासल पर हमला करने वाले हैं जो कि नट्स का है। तो अभी जॉकर्स और नट्स की बहुत ही बड़ी फाइट होने वाली है। फिलहाल अभी यहाँ पर ये नट्स सारे बैरिकेड को डिफेंड करने के लिए खड़े हुए हैं, और जॉकर्स अपनी फुल पावर से यहाँ पर भाई साहब नट के कासल पर हमला कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल बड़ा वक्त से मैं इन लोगों को यहाँ पर अपनी स्पर्ट गन से मार देता हूँ, बिकॉज अर्नेस ने मुझे वो स्पर्ट गन दी है जिससे वो मेरे ऊपर हमला करता था। बट अभी फिलहाल मैं इस स्पर्ट गन से जॉक पर हमला कर रहा हूँ। भाई साहब ये देखो कितने बंदे ज़्यादा हैं और कितने ज़्यादा जॉकर्स हैं, बट हमारे अर्नेस के बंदे भी काफ़ी कम नहीं है, वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पर जॉकर्स आप लोगों को पता है गाइस साइज़ में, एज में, सब चीज़ों में नर्ड से ज़्यादा आगे हैं, और जीवी से भी। लेकिन जीवी भाई साहब बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला है, और हम लोग इनको हराने ज़रूर जाएंगे बाद में। लेकिन अभी फ़िलहाल हमें ज़रूरी है कि हम लोगों को अपना कासल डिफेंड करना होगा। फिलहाल मैं अभी फटाफट से ऑब्जर्वेटरी दोबारा जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से शायद से जॉकर्स ने हमला कर दिया है, अर्नेस्ट ने मुझे वहाँ पर बुलाया है। तो मैं अभी फटाफट से चलता हूँ यहाँ पर कासल के अंदर। गेट ऑन टू द स्पर्ट कैनन। ओके फटाफट से अब मुझे स्पर्ट कैनन पर जाना होगा, जो कि आप लोगों को मिशन से याद होगा। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने यहाँ पर स्पर्ट गन भाई साहब इक्विप कर लेते हैं, और फटाफट से स्टॉप द जॉक फ्रॉम रीचिंग द ऑब्जर्वेटरी गेट्स। ओके गाइस, अब जॉकर्स आर्मी की तरफ आ चुके हैं, थोड़ा उन्होंने वहाँ पर बैरिकेड तोड़ दिया था। तो अब मुझे इस स्पर्ट गन से इन लोगों को यहाँ पर रोकना होगा, इससे पहले कि कासल के पास आए, कासल की वॉल्स को तोड़ें, इससे पहले भाई साहब मुझे इनको रोकना होगा यहाँ पर। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर मैंने सारे जॉकर्स को रोक दिया है, और अब मेरा ये वाला मिशन यहाँ पर पास्ट होता है। और अब भी बड़ावत से अर्नेस से बात करते हैं भाई साहब, और देखते हैं और क्या सीन है, जॉक्स के साथ हमें करना क्या है, ये लोग इस तरह इतनी आसानी से मानेंगे तो नहीं। ये देखो गाइस कितनी सारी जॉक की बॉडीज पड़ी हुई हैं, और ये लोग अभी तक हर्टेड है। फिलहाल मैं अभी यहाँ पर बीन वाला पीने आया था, लेकिन अभी बड़ावत से अपना नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, फिलहाल अभी मुझे एक नया टास्क दोबारा से मिल चुका है। अब सीन ये है गाइस कि हम लोग अभी जाना होगा फुटबॉल फील्ड, जहाँ पर भाई साहब उन जॉक का मास्कोट फिर रहा है। तो उस मास्कोट को मुझे परेशान करके उसका कॉस्ट्यूम उसे छीनना होगा। तो अभी फिलहाल मैं इस ट्री के ऊपर क्लाइम कर लेता हूँ, फटाफट से इसकी ब्रांच पर बैठ के अपने स्लिंग शॉट से उस मास्कोट को अनाय करता हूँ, ताकि वो मारने के लिए मुझे पीछे आए। और हम नर्ड्स ने भाई साहब एक ट्रैप सेट किया हुआ, अर्नेस्ट और नर्ड्स ने मिलके, अर्नेस्ट और जिमी ने मिलके एक ट्रैप सेट किया हुआ भाई साहब जॉकर्स के लिए और उस मास्कोट के लिए, क्योंकि मुझे उस मास्कोट की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है अपने नेक्स्ट बिग गेम के लिए। क्योंकि गाइस एक नया बड़ा टास्क आने वाला है, जैसा कि मुझे अर्नेस्ट से पता चला है कि हम लोगों को इन जॉकर्स को हराना होगा, और जिमी की मदद के बगैर ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि जिमी को इस पूरे स्कूल का किंग बनना है। तो इसके लिए भाई साहब हमें जॉकर्स को भी हराना पड़ेगा, और हमने एक प्लान सेट किया भाई साहब, लेकिन उस प्लान के अंदर ये कॉस्ट्यूम भी शामिल है। तो हमें फिलहाल इस मोटे बुल से भाई साहब, इस मास्कोट से ये
कॉस्ट्यूम छीनना होगा और इसको अपने नेक्स्ट टास्क में अप्लाई करना होगा। फिलहाल अभी फिलहाल यहाँ पर मैंने उस मास्कोट को एनॉय किया था, लेकिन उन जॉकर से मुझे देख लिया और मैं अभी फिलहाल यहाँ से भागा हूँ। फिलहाल ये मेरे प्लान का एक हिस्सा है, मैं यहाँ से इनसे डर के नहीं भागा। मैं अभी यहाँ पर पूल के पास जा रहा हूँ और ऊपर भाई साहब नर्ड्स खड़े हुए हैं जो के जॉकर्स के ऊपर हमला करेंगे। ये देखो गाइस, ये मेरा प्लान का एक हिस्सा था, मेरा और अनिश का प्लान का। और अभी फिलहाल मैं इस मास्कोट को अपने साथ इस पूल में लड़ने के लिए बुलाऊंगा और इसको थका थका के मारूंगा। जैसा कि आप लोगों को याद होगा अपनी सेकंड गेम प्ले वीडियो से भाई साहब, इस गेम की सेकंड गेम प्ले वीडियो से जिस तरह मैंने रसल को थका थका के मारा था, इसी तरह मैं इस मास्कोट को भी इस तरह से थका थका के मारूंगा। लेट्स गो, अभी फटाफट से इसकी बड़ी सी हेल्थ भाई साहब कम करते हैं। अगर इस मैंने हेल्थ को पूरा वीडियो में दिखाया ना तो भाई साहब ये तो वीडियो ना कोई चांद तक चली जाएगी। लेट्स गो गाइस, अभी फिलहाल मैंने इसको थका थका के मारा है और अभी इसके ये स्लिंग शॉट बजा देता हूँ और अब ये मास्कोट गिर चुका है भाई साहब। और अब इसके कॉस्ट्यूम उतार के भाई साहब मैं पहन लूंगा और इसको मैंने नंगा कर दिया है। यू पास, यू हैव अर्न द मास्कोट आउटफिट। ओके गाइस, हम लोगों ने इस मास्कोट आउटफिट को अर्न कर लिया है क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है नेक्स्ट बिग गेम में और उस प्लान में जो हम नर्ड्स के, जो हम जॉक्स के खिलाफ इख्तियार करने वाले हैं। मींस हमने, मैंने और अर्नेस्ट ने मिलके एक प्लान सेट किया है जॉकर्स को हराने के लिए। तो उस प्लान के अंदर भाई साहब इस कॉस्ट्यूम की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि गाइस अभी फ़िलहाल वो तो आप लोगों को अगले मिशन में ही पता चलेगा। तो अभी अपने मिशन, नेक्स्ट मिशन को स्टार्ट करते हैं। फिलहाल इस कॉस्ट्यूम में गाइस ये लोग मुझसे फड्डा कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों को पता है कि मैं अभी इनके साथ पंगा करके भागा था। तो अभी गाइस हम लोग अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। इस कॉस्ट्यूम में गाइस मैं कोई भी स्लिंग शॉट, स्पर्ट गन या बॉटल रॉकेट लॉन्चर वाला वेपन, ऐसा कोई प्रोजेक्टाइल वेपन इस्तेमाल नहीं कर सकता कॉज ये कॉस्ट्यूम बिकॉज बहुत ज़्यादा भारी है। और अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टास्क की तरफ, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, फिलहाल मैंने अपना नेक्स्ट टास्क अभी स्टार्ट कर दिया। बाय द वे जिमी काफ़ी ज़्यादा पतला हो चुका है और सूट वगैरह भी मैंने चेंज कराया है इसका। भाई साहब अभी सीन ये है कि मेरी अभी फिलहाल बात हुई है मैंडी से। यस गाइस, वही मैंडी जिसके हमने पिक्चर्स कलेक्ट करके अर्नेस्ट को दी थी और अब उन पिक्चर्स के भाई साहब अर्नेस्ट ने एक गलत चीज़ करी है भाई साहब। उसने पूरे के पूरे बुलवर्ड टाउन के अंदर उन पिक्चर्स के इस तरह के भाई साहब पोस्टर्स लगवा दिए हैं और अभी उन पोस्टर्स पर हमें स्प्रे पेंट करके उन पोस्टर को छुपाना होगा क्योंकि इसकी वजह से भाई साहब मैंडी की बदनामी हो रही है काफ़ी ज़्यादा और वो जॉकर्स को सपोर्ट भी नहीं कर पा रही एज अ चीयर लीडर। तो अभी फिलहाल इस टास्क को फटाफट से अटेम्प्ट करते हैं, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, सीन ये है अभी मैं बुलवर्ड टाउन तक, न्यू कोवेंट्री, पूरे बुलवर्ड टाउन में जाके घूमा था इसके पोस्टर्स पर स्प्रे पेंट करने के लिए और अभी इसको बताते हैं कि मैंने तुम्हारे सारे पोस्टर्स पर स्प्रे पेंट कर दिया और उनको छुपा दिया है। बट अर्नेस्ट ने, गर्नेस्ट के बंदों ने गलती करी, उन्होंने पूरे पोस्टर्स भाई साहब फैलाने शुरू कर दिया। मैं जिस तरह स्प्रे पेंट करता वो उसी वक्त वापस आ गया भाई साहब, एक और नया पोस्टर लगा देते। मैंने अभी इस टास्क को यहाँ पर पास कर लिया है और अब मैंडी नाउ लाइक्स यू। ओके, अब हम चलते हैं भाई साहब। अभी तो फिलहाल सोने का टाइम हो चुका है, सुबह उठ के अपना नया टास्क करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह सुबह हो चुकी है और अभी मैं अर्नेस्ट के इस कासल पर आ चुका हूँ और अभी फिलहाल मैंने आप लोगों को गाइस बोला था कि इस मास्कोट की हमें आगे जाके जॉकर्स को और उनके बॉस को हराने में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी वक्त आ चुका है कि हम लोग इस कॉस्ट्यूम का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे एक काउ डांस सीखना होगा जो कि भाई साहब वो मास्कोट उन जॉकर्स के सामने किया करता था ताकि जॉकर्स उसको आके तंग नहीं करते थे और वो इजीली अपना डांस वांस करता था और उनको एंटरटेन करता था। अभी फ़िलहाल मैं उस डांस को यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सामने एक नर्ड को करके दिखा रहा हूँ वो डांस। और अभी मेरा काउंट डांस जो है वो सक्सेस हो चुका है और इस डांस को मुझे अप्लाई तब करना है जब कोई भाई साहब जॉकर मेरे सामने आके मुझे डांस करने का बोलेगा। जैसे फिलहाल ये अभी जॉकर्स खड़े हुए हैं, देखो अभी फिलहाल ये लोग मुझे बोल रहे हैं लेट्स सी योर मूव्स मास्कोट बॉय, लेट्स सी योर मूव्स। तो अभी फिलहाल मुझे कोई अगर जॉकर मिलेगा तो मैं उससे जाके उसके सामने ये डांस मुझे मजबूरन करना पड़ेगा वरना वो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे दौड़ेगा और हमारा और नर्ड्स का, मींस अर्नेस्ट का प्लान जो है वो बिल्कुल ही फेल हो जाएगा। तो अभी फिलहाल यहाँ पर एक नर्ड एजेंट खड़ा हुआ है जो कि बिग गेम करने के लिए भाई साहब हमारा साथ दे रहा है। तो अभी फिलहाल इससे मैंने ग्लू बॉटल ले ली है और अभी फिलहाल इसने मुझे बोला है कि बेंचेस पर लगाना है जहाँ पर भाई साहब प्लेयर्स वगैरह बैठते हैं। तो अभी फिलहाल मैं जाऊँगा उस बेंचेस पर ग्लू लगाने के लिए। तो फटाफट से अभी चलते हैं उन प्लेयर्स की बेंचेस पर
ग्लू लगाते हैं जल्दी जाके और उनके साथ एक और प्रैंक करते हैं, क्योंकि बिग गेम है, बहुत सारे नर्ड्स एजेंट्स हैं। तो अभी फिलहाल मैंने यहाँ पर ग्लू लगा दिया है, बट पीछे से ये जॉकर मुझे मारने आ गया है, लेकिन मैं अभी इससे लड़ूंगा नहीं, मैं इसके सामने वो डांस करूंगा और मैं इसको एंटरटेन करने लग जाऊंगा, क्योंकि ये अगर एंटरटेन होगा तो ये मुझे मारेगा नहीं आके, ये मुझे कुछ भी नहीं बोलेगा चाहे मैं कुछ भी करता हूँ इस फुटबॉल फील्ड पे। तो अभी फिलहाल वही मूव्स मैं रिपीट कर रहा हूँ जो कि मैं प्रैक्टिस करके आया था उस कासल के पास से। तो अभी फिलहाल इन जॉकर्स को मैंने एंटरटेन करके यहाँ से भेज दिया है और अभी चुपचाप से मैं अपना यहाँ पर इस टास्क को कम्प्लीट करता हूँ। ऑलराइट गाइस, सारी बेंचेस पर मैंने ग्लू लगा दिया है और अब ये जॉकर यहाँ पर बैठा, तो फिलहाल इस पर इसके अपने दोस्त हंसने लग गए क्योंकि यहाँ पर ये बेंच से चिपक गया है क्योंकि मैंने यहाँ पर ग्लू लगाया था। तो अभी फिलहाल मैं चलता हूँ अपने सेकंड एजेंट से बात करने के लिए जो कि यहाँ पर फुटबॉल फील्ड के आसपास ही पीजे स्ट्रीट में भाई साहब छुपे पड़े हैं और अभी फिलहाल ये मुझे पेट्रोल्स आर एवरीवेयर, वी आर इन ग्रेव डेंजर एट दिस वेरी मोमेंट, ओके यू आर इन ग्रेव डेंजर ऑफ अ नकल सैंडविच इफ यू डोंट गेट ऑन विच इट, ओके हियर इज अ बॉल वी हैव ब्रेक, गेट टू द शेड बाय फील्ड एंड स्वैप इट फॉर द रियल गेम, ओके गाइस। अभी फिलहाल सीन ये है, हम लोगों को इस रिग्ड बॉल को उस बैग में डालना है जो के वहां पर फुटबॉल फील्ड के पास पड़ा हुआ है बैग, और उस बैग के अंदर भाई साहब रियल फुटबॉल है जो कि ये लोग मैच के अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन अभी मैं फिलहाल इन लोगों को डांस करके दिखाना पड़ेगा दोबारा से, क्योंकि ये जॉकर्स मुझे वरना मारने लग जाएंगे। मैं इन लोगों को यहाँ पर दोबारा से डांस करके दिखा देता हूँ ताकि ये लोग इंटरटेन हो जाएं और यहाँ पर मेरी जान छोड़ दें। लेकिन अभी फिलहाल इस बॉल के साथ मुझे ये सीन करना है कि इस बॉल के अंदर लगा हुआ है एक TNT और उस TNT का इस्तेमाल करने के लिए मुझे इस बॉल को रिप्लेस करना होगा ओरिजिनल बॉल से जो कि ये लोग फुटबॉल फील्ड के बाद इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि जॉकर्स इस फुटबॉल फील्ड पर हर जगह पर फैले हुए हैं और इस क्लब हाउस के पास ही वो बैग पड़ा हुआ है जिसके अंदर वो ओरिजिनल बॉल है, उसका रिप्लेस करूंगा मैं इस TNT बॉल से। फिलहाल अभी यहाँ पर इनको डांस करके दिखाना होगा ताकि ये लोग इंटरटेन हो और यहाँ से चले जाएं, मेरा रास्ता खाली कर दें। ओके, अब बैग मेरे सामने ही पड़ा हुआ है, मैं पड़ा हुआ से जाता हूँ और इनसे शाबाशी भी ले ली है मैंने डांस करने की और यहाँ पर अब मैं इस बॉल को रिप्लेस कर देता हूँ अपनी TNT वाली बॉल से। और जैसे ही कोई आएगा भाई साहब और यहाँ पर इस बॉल को उठाएगा और किक मारेगा और ब्लास्ट होगा भाई साहब, अब देखो देखो क्या सीन था गाइस, ये बॉल लेके यहाँ पर जा रहा है और जैसे ही ये इस बॉल को फेंकेगा ये होगी ब्लास्ट। यहाँ पर सेकंड प्रैंक हम लोगों ने कर दिया है और अब दोबारा से मुझे एक और नर्ड एजेंट के पास जाना होगा। टोटल शायद से 4 या 5 नर्ड एजेंट्स हैं और 4 या 5 हमें इनके साथ प्रैंक्स करने ताकि हमसे अनोय हो जाएं। उसके बाद भाई साहब हो गया हमारी बॉस फाइट जो कि इनका बॉस है और उसका नाम है टैड भाई साहब, उससे हमारी होगी बॉस फाइट, उसके बाद हम बनेंगे किंग ऑफ दी स्कूल। तो अभी पड़ावत से अपने एक और नर्ड एजेंट से बात कर लेते हैं जो कि यहाँ पर करीब में ही खड़ा हुआ है, लेकिन मैं इस प्रीफेक्ट से बच के जाऊँगा क्योंकि अगर इसने मुझे देख लिया तो मुझे क्लास में डाल के फेंक देगा और बोलेगा पढ़ो जाके। लेकिन अभी फिलहाल मुझे ये टास्क करना है, तो अब एक और नर्ड एजेंट से बात कर लेते हैं। भाई साहब ये तो LG है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ओके, अब ये सीक्रेट पासवर्ड, क्वाइट मेसिंग अराउंड बिफोर बट आई लॉस्ट पेशेंस एंड हर्ट यू, ओके नो नो बट आई विल डू इट, ओके हियर्स द डील, ओके अब ये मुझे काम बता रहे हैं कि असल क्या काम करना है। भाई साहब जो जॉक्स कीप देयर गेम्स फॉर ड्रिंक इन अ कूलर गो यूरिनेटेड, ओके भाई साहब अब सीन ये है कि मुझे जाना होगा जिम, स्कूल जिम, जहाँ पर भाई साहब स्कूल का बाथरूम है ना, स्कूल के जिम के अंदर वहाँ पर एक कूलर रखा हुआ है, उसके अंदर रखते हैं ये जॉकर्स अपनी ड्रिंक। फुटबॉल फील्ड के दौरान ये लोग एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, तो भाई साहब प्रैक्टिस के दौरान ये लोग एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, तो उस एनर्जी ड्रिंक्स के ऊपर मुझे जाके यूरिनेट करना होगा। बट अभी फिलहाल इन बंदों ने मुझे पकड़ लिया और डांस करने का कहा है, तो अगर ये लोग मुझे डांस करने का बोलते हैं तो मुझे डांस करना ही पड़ेगा। फिलहाल मैं अभी बड़ा वैसे जैंट कर लेता हूँ यहाँ पर। ऑलराइट गाइस, फिलहाल मुझे अभी वो कूलर मिल चुका है जिसके अंदर ये लोग अपनी एनर्जी ड्रिंक रखते हैं और मैंने इसके अंदर कर दिया भाई साहब यूरिन और अब भी मैं स्कूल जिम से निकलने वाला हूँ। जैसे ही कोई भाई साहब जॉकर आएगा वो यहाँ से ड्रिंक उठाएगा और फिर मज़ा आएगा। भाई साहब अब ये कोई बंदा आ रहे हैं यहाँ पर और ये वो एनर्जी ड्रिंक शायद से पीएगा उठा के। ओके, इसने एनर्जी ड्रिंक उठा लिया और पी भी लिया भाई साहब, अब देखना क्या होगा, उल्टी शायद आई। ओके, उल्टी आ चुकी है भाई साहब इसका, इसके साथ हम लोगों ने कर दिया है प्रैंक भाई साहब। नर्ड्स तो भाई साहब बहुत ही अच्छे जा रहे हैं, हम लोगों ने और अर्निस से मिलके एक बहुत ही अच्छा प्लान सेट किया है। बट अभी हम लोग एक और नर्ड एजेंट से बात कर लेते हैं फटाफट से। ओके गाइस, अभी फिलहाल मेरी 4th नर्ड एजेंट से बात हो चुकी है, 4th नर्ड एजेंट था ये, तो इसने मुझे बोला है कि मुझे फुटबॉल फील्ड पर मार्बल्स गिराने हैं, जगह जगह मार्बल्स में अगर गिरा दूंगा तो जैसे ही जॉकर्स यहाँ पर फुटबॉल फील्ड पर मैच खेलने आएंगे तो वो भागते भागते इन मार्बल से स्लिप होके गिरेंगे और
हमारा ये चौथा प्रैंक भी भाई सक्सेसफुल हो जाएगा इस तरीके से। तो अभी फिलहाल यहाँ पर मैंने मार्बल्स गिरा दिए हैं और शायद से जॉकर्स यहाँ पर मैच खेलने आ चुके हैं और उनका एक बिग गेम है भाई। यहाँ पर हेलमेट पहन के फुल सूट पुट पहन के आ चुके हैं लोग गेम खेलने के लिए, बट अभी फिलहाल हमारे मार्बल से ये लोग यहाँ पर गिर चुके हैं और हमारा ये वाला प्रैंक भी सक्सेसफुल हो चुका है फाइनली। और अब जा रहा हूँ भाई मैं फिफ्थ एजेंट से बात करने के लिए जो कि फिफ्थ एंड फाइनल नर्ड एजेंट है इस मिशन का। तो अभी फटाफट से चलते हैं उसके पास और अब देखते हैं भाई साहब क्या सीन। ऑलराइट गाइस, अभी फिलहाल मैं इससे बात कर रहा हूँ और ये फाइनल एजेंट नर्ड का भाई मुझे बताने वाला है कि अभी फाइनल प्लान हमारे पास क्या सीन है। ये प्रैंक होने वाला है भाई साहब स्कोर बोर्ड पे। अभी फिलहाल एक भाई साहब USB दिए उसने मुझे, नर्ड एजेंट ने, उसने बोला मैं उस USB के अंदर एक टेक्स्ट डाला है, उस टेक्स्ट को मुझे जाके स्कोर बोर्ड के कंट्रोल रूम से चेंज करना है। तो अभी फिलहाल इन लोगों के सामने मुझे ये डांस करके दिखाना होगा दोबारा से, लेकिन फिलहाल मैं इनको डांस करके नहीं दिखाऊंगा, मैं कंट्रोल रूम के अंदर चला जाऊंगा चुपचाप से और इस चीज़ को रिप्रोग्राम कर दूंगा और यहाँ पर स्कोर बोर्ड पर चेंज कर दूंगा जो भाई साहब उस बंदे ने हैकिंग करी है और टैक्स यहाँ पर चेंज हो जाएगा। और अब भी फिलहाल यहाँ पर मेरा मिशन पास्ट हो चुका है, लेकिन ये जो मैंने स्कोर बोर्ड पर चीज़ करी है भाई, इससे जॉक्स बिल्कुल भी हैप्पी नहीं होंगे और वो मेरे पीछे ज़रूर आएंगे। ओके, हु इज दैट? ओ भाई साहब, अब मेरा आमना सामना हो चुका है जॉक्स के लीडर से, टेड हॉपकिंस। या यू आर डेड, रिपीटिंग फॉर ही सेज गेट ऑन। ओ भाई साहब, ये हर चीज़ को रिपीट करता है, जो भी राइट वाला बंदा बोलता है लेफ्ट वाला उसको रिपीट करता है। और अब भाई साहब हमारी फाइट होने वाली है टेड से, जो कि भाई इन नर्ड्स का इन जॉक्स का सबसे बड़ा लीडर है भाई साहब। जॉक्स की बॉस फाइट है ये, और अब मुझे डेड के डिफेंसिव सिस्टम को तोड़ के भाई साहब इनको हराना होगा, बिकॉज ये यहाँ पर उस फुटबॉल को फेंक रहे हैं और जो फुटबॉल फेंकेंगे लगा ये लोग उसके अंदर लगा हुआ है एक TNT, कुछ सेकंड्स में ही वो फट जाएगा अगर मैं उसको उठाकर वापस नहीं फेंकूँगा। तो इस तरीके से मुझे यहाँ से इसको पिक करना है और वापस इन लोगों के बंदों के ऊपर मारना है। और बीच बीच में गाइस मुझे यहाँ पर बंदे भी मारने आ सकते हैं और लोगों के। फिलहाल मैंने इसके डिफेंस यहाँ पर सिस्टम को उड़ा दिया है और अभी यू थिंक आई एम टफ, टेड इवन टफर। ओके, यू आर इन। ओके गाइस, अभी फिलहाल और बंदे टेड ने मुझे भेज दिए हैं मेरे से फाइट फेस टू फेस मुकाबला करने के लिए। यहाँ पर मैं इन लोगों को दूंगा और टेड को इतनी आसानी से यहाँ पर जीतने नहीं दूंगा। मैं बताऊंगा कि जिमी इज द किंग ऑफ द स्कूल। और अभी फटाफट से टेड को हराते हैं और इसकी डिफेंस लाइन को और ज़्यादा कमज़ोर कर देते हैं। ऑलराइट गाइस, फिलहाल मैंने इसकी डिफेंस टीम के सारे बंदों को यहाँ पर गिरा दिया है और अब मेरा चांस है टेड को मारने का, क्योंकि इसके सारे बंदे मैंने डाउन कर दिए हैं। और अभी फिलहाल इसको मैंने एक TNT वाली बहुत तेज़ी से भाई साहब बॉल मारी थी और अब ये एक धक्के में ही गिर गया है। ओके यूजर्स, अब बताओ कौन बॉस है। आज आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बारिश भी हो रही है और PD भी यहाँ पर आ चुका है और अब वो बोल रहा है कि तुम लोगों ने इसकी धुलाई कर दी है भाई साहब सबके सामने। और अब ये एक बंदा खाली नहीं था भाई साहब टेड, इसकी पूरी की पूरी डिफेंस टीम थी जो कि मुझे जीतने में बहुत ज़्यादा मसला कर रही थी। और अभी फिलहाल मैं बन चुका हूँ किंग ऑफ द स्कूल, जो हमने यहाँ पर गंद वगैरह किया था। अब वो फुटबॉल फील्ड भाई साहब साफ हो रही है और अब मैं गुड लाइफ जीने वाला हूँ एज अ किंग ऑफ द स्कूल। अब यहाँ पर मैं ज़रा बात चैप्टर फाइव कैसे स्टार्ट हो गया, मुझे लगता है गाइस मैंने एक या दो मिशन या तीन मिशन छोड़े हैं। द फॉल एंड राइज ऑफ जिमी हॉपकिंस एज 15, मुझे लगता है गाइस मैंने दो मिशन या तीन मिशन छोड़े हैं, जिस एक का नाम तो हेयर टू यू मिसेस फिलिप्स था, एक का नाम गैलावे अवे था, शायद से दो मिशन मैंने छोड़ दिए हैं, मैं वो करने वाला था। बट अभी फिलहाल चैप्टर फाइव स्टार्ट कैसे हो गया, क्योंकि वो चैप्टर फोर के मिशन थे। फिलहाल यहाँ पर ये मैंडी जा रही है और अभी फिलहाल यहाँ पर वो रिच किड्स भी हैं, यहाँ पर ग्रीस बॉल किड का लीडर भी है, यहाँ पर डर्बी भी है, यहाँ पर जॉनी भी है और यहाँ पर रसल भी था। और अभी फिलहाल वो भी था, टेड भी था जो भाई जॉक्स का लीडर था और साथ ही साथ नर्ड का लीडर। ओके, ये मुझसे बात नहीं कर रही, ये जा रही है। ओके, अभी फिलहाल PT मुझे बोल रहा है कि तुमने टेड को भी हरा दिया, तुमने सब लोगों को हराया, तुमने टेड को हराया, तुमने डर्बी को हराया, तुमने रसल को हराया, तुमने ग्रीस बॉल किट के लीडर जॉनी विंसेंट को हराया, बट सब लोग तुम्हें पसंद नहीं करते सिवाय उनके, स्कूल के जो नॉर्मल बॉयज़ हैं, जो नॉर्मल सिर्फ स्कूल के कामों से काम रखते हैं, वो भाई साहब मुझे पसंद नहीं करते। लेकिन चैप्टर फाइव हमारा स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अब हमें पीछा करना होगा भाई साहब गैरी का।
फिलहाल एक गैंग और बची है शायद से। भाई साहब यहाँ पर रसल खड़ा हुआ है, ये पता नहीं क्या कर रहा है, यहाँ पर खड़ा ही रहता है हमेशा से। और शायद से हमारी मदद के लिए यहाँ पर हमेशा ये यहाँ पर मौजूद रहता है हमारी मदद के लिए। फिलहाल गाइज आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी। आज की वीडियो में हम लोगों ने जॉक्स के बॉस टेट को भी हरा डाला और साथ ही साथ नर्ड के बॉस अर्नेस्ट को भी हरा डाला, जो कि शायद से हमारे बारे में गलतफहमी करके बैठा हुआ था, लेकिन उसकी गलतफहमी हम लोगों ने दूर करके हम लोगों को ओबे करने पर उसको मजबूर कर दिया। और अभी फ़िलहाल गाइज हम लोग जब भी फुटबॉल फील्ड के स्टेडियम पर फुटबॉल फील्ड पर जाएंगे तो हमें वहाँ पर तंग करने वाला कोई भी नहीं होगा और जॉकर्स भी हमारे आगे झुक के चलेंगे। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर कर देना भाई साहब, और बेल आइकन ज़रूर से दबा देना। सब्सक्राइब और बेल आइकन तो ज़रूर दबा देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और कॉमेंट्स में अपने फेवरेट बुली कैरेक्टर का नाम ज़रूर से बता देना। फिलहाल मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा चैप्टर 5 की वीडियो, और हम लोग उसमें हराएंगे भाई साहब गैरी को, क्योंकि अब गैरी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बचा है। मेरे हिसाब से तो सिर्फ गैरी ही बचा है हमारे एज अ दुश्मन के तौर पे। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू गाइस लेटर।